नमस्कार दोस्तों, सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 16 जुलाई का करेंट अफेयर्स। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन कहता है दोस्तों, हाल ही में पीएम स्वनिधि को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। यहाँ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ का राज्यपाल लालजी टंडन है। यहाँ टोटल जिला 52 है। यहाँ सबसे बड़ा जिला है जो इंदौर है। यहाँ एरिया के स्थान जो है मध्य प्रदेश सेकेंड स्थान पर है और पहला जो है राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो कहता है, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बांध किस राज्य में देखा गया है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी आसाम, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आसाम। आसाम का राजधानी दोस्तों आपका दिसपुर है। यहाँ सबसे बड़ा जिला दोस्तों गुवाहाटी है। यहाँ का सीएम है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल हैं। यहाँ का राज्यपाल हैं जगदीश मुखी हैं। यहाँ टोटल राज्यसभा का सीट जो है 7 है और लोकसभा का सीट टोटल 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर सी सर्बिया, ऑप्शन नंबर डी ईरान। इसका सही आंसर क्या हो जाए दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर। हाल ही में नागी दास संधरवा का निधन हुआ है, वे कौन थे। ऑप्शन नंबर ए लेखक, ऑप्शन नंबर बी पत्रकार, ऑप्शन नंबर सी गायक, ऑप्शन नंबर सी खिलाड़ी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी पत्रकार। नागी दास संधरवा जो संधरवा का निधन हुआ है, वे थे एक पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव। हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है। ऑप्शन नंबर ए हेमंत अमीन, ऑप्शन नंबर बी मनोहर मित्तल, ऑप्शन नंबर सी प्रतीक गर्ग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हेमंत अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर छः। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा है। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अमेरिका के साथ 2019-20 में व्यापार का साझा रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। हाल ही में किस देश ने चबाहर रेल परियोजना से बाहर किया है। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी इराक, ऑप्शन नंबर सी ईरान, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए अपना देश भारत। इसके तहत दोस्तों ईरान और भारत के बीच
चार साल पहले चबाहर पोर्ट से अफगानिस्तान सीमा पर जोहानदान तक रेल लेन लाइन बिछाने के लेकर समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर बी रास्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी सुरजा मित्तल, ऑप्शन नंबर डी गायत्री कुमार। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी रास्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस IIT ने UV सैनिटाइजिंग डिवाइड शुद्ध को विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी IIT मुंबई, ऑप्शन नंबर सी IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर डी IIT रुड़की। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी IIT कानपुर। IIT कानपुर का स्थापना 1959 ईस्वी को हुआ था। यहाँ का जो निर्देशक है अभय करिंगकर है, यह जो है UP में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन कहता है, हाल ही में किसे 2020 के बाउन कर्मल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एम चंद्रशेखरन, ऑप्शन नंबर बी के सिवान, ऑप्शन नंबर सी प्रत्याहार जोशी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों के सिवान। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।